नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करमीर में। आज हम बात करेंगे कि जो पिछले साल जो विद्यार्थी प्रमोट हुए थे उनकी जो मार्कशीट में ये NC लिखा रहा है, तो ये NC क्यों है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब हमें प्रमोट किया जाता है तो हमें जो अंक मिलेंगे वो अगली कक्षा के अनुपातिक के आधार पर मिलेंगे। ये जो आपको मार्कशीट्स में दिखाई दे रही है, ये MSc जो मैथमेटिक्स के लिए है, तो इसमें आप देख सकते हैं असाइनमेंट जो में जो अंक मिले हुए, लेकिन थ्योरी में अंक नहीं दिए गए हैं। तो थ्योरी के अंक कब मिलेंगे, जब आप फाइनल ईयर में आएंगे। फाइनल ईयर में जैसे मान लो फर्स्ट पेपर में जो अंक आप लाएंगे, सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में, तो उसी अनुपात से आपको ये फर्स्ट पेपर जो प्रीवियस का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में आपको अंक दे दिए जाएंगे, तभी आपका ये जो NC है वो क्लियर होगा। और इसे लेकर मैंने भी दो तीन वीडियो बना चुके हैं, और भी यूट्यूब चैनल पे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोस बना दिए इस चीज़ को लेकर। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है या उन वीडियो तक वो पहुंच नहीं पाया। तो UGC की गाइडलाइन के अनुसार जो प्रमोट विद्यार्थी हुए उनको अनुपातिक दृष्टिकोण अनुपातिक अंक देने का जो प्रावधान है वो यूनिवर्सिटी देती है, और कई यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया भी है। जैसे मान लो पिछले साल जो सेकेंड ईयर में था तो उसको फर्स्ट ईयर के आधार पर अंक दे दिए गए थे, तो या फर्स्ट ईयर के आधार पर या सेकेंड ईयर, जैसे BA में कोई है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, तो 2019 में जो फर्स्ट ईयर था और 20 में जिसके सेकेंड ईयर था, तो 20 में परीक्षाएं हुई नहीं थी, तो उनकी जो फर्स्ट ईयर जो 19 में जो अंक थे उसी के आधार पर सेकेंड ईयर उसको अंक दे दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये इसका प्रोसेस होता है। इस साल भी ये नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है UGC की तरफ से, जो कि फाइनल ईयर को छोड़कर सारे प्रमोट होंगे। तो जब हम प्रमोट होते हैं हमारे NC आता है, और अगली कक्षा में जब हम हमारी जब भी परीक्षा होगी उसमें जो अंक लाएंगे उसी अंकों के अनुपात के आधार पर हमें अंक दे दिए जाएंगे, और तभी हमारी जो NC की जो ये समस्या आपको लग रही है उसका समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।